अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजी एंड यू वाचिंग आरजे प्लैनेट। एक नए मोटो व्लॉग के साथ आज मैं फिर आपको बताऊंगा। आजकल वैसे भी बरसात का सीज़न जो चल रहा है और बाइकर्स भी टूर्स पे जा रहे हैं, और मैंने ख़ुद भी चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि मतलब इतने ज़्यादा टूरिस्ट निकल जाते हैं लेकिन लोगों को जो कि मोस्ट प्रोबेबली शहरों में चला रहे होते हैं उनको इतना कोई आइडिया नहीं होता कि पहाड़ी इलाकों पे कैसे राइड की जाती है। वो उसी तरह रेफ करके या उसी तरह जो रूटीन में बाइक चला रहे होते हैं उनका यही तौर तरीका होता है जिसकी वजह से हादसे का शिकार हो सकते हैं या दूसरे बाइकर्स को या गाड़ी वालों को वो फिर पेन बनता है उसके लिए, जिसकी वैसे फिर बाइक वालों को स्पेशली वो बुरा भला कहा जाता है या एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर किसी टूर पे या फिर वैसे ही पहाड़ी इलाके पे सुबह से शाम के सफ़र के लिए भी जा रहे हैं, तो चूँकि बारिश का सीज़न होता है और जैसे जैसे आप पहाड़ियों पे ऊपर जाते रहेंगे तो जो क्लाउडी वेदर है वो इंक्रीज़ होता रहता है, फिर उसके हिसाब से फिर बारिश और स्लिपरी रोड होता है। तो आपका बाइक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। बाइक अच्छे होने से बता दें, छोटा भी हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका ट्यूनिंग अप होनी चाहिए, ट्यून्ड प्रॉपरली होना चाहिए, उसके टायर्स अच्छे होने चाहिए, हवा आपको नॉर्मल रखनी चाहिए, ज़्यादा रखेंगे तो बाउंस होगी, कम रखेंगे तो पंचर होने का खतरा है, ठीक है। तो रोड्स चूँकि हमारे अमूमन जो हैं पहाड़ी इलाकों के वो ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए होते जिसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं, तो फिर आपको प्रॉपरली जो है ना टायर आपके अच्छे होने चाहिए। अगर पूरे भी टायर हैं तो फिर आपको ये है कि कहीं पंचर हो जाए, कहीं स्किड करेगा तो आपको वो मसला दे सकता है। उसके अलावा आपके पास गियर्स पूरे होने चाहिए, गियर्स में आपके ग्लव्स होने चाहिए, आपकी बरसाती होनी चाहिए, और आपके पास कोई बैकपैक भी होना चाहिए जिसके अंदर चीज़ें आप रख सकें प्रॉपरली। और इतना ज़्यादा बाइक पर सामान ना रखें, अगर आप ज़्यादा टूर नहीं करते तो भाई स्लिप हो जाएंगे या कोई मसला हो जाएगा, आपसे चलेगा नहीं बाइक। और कोशिश करें सिंगल बाइक चलाएं ताकि आपको हैंडलिंग में मसला ना हो। ज़्यादातर जो कि चढ़ाइयाँ आती हैं तो कोशिश करें कि नॉर्मल गियर्स में दूसरे तीसरे में चलें, और जो उतराइयाँ आती हैं उस पर तो आप पहले या दूसरे ही में चलें, तो ताकि ये कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्स पे आपने नहीं डालना वज़न, ये होगा वरना ब्रेक शूज़ जो हैं वो गर्म हो जाएंगे और ब्रेक पैड्स पे भी इशू, ये जो डिस्क है उस पर भी इशू हो सकता है, स्लिप हो सकता है बाइक, आप एकदम डिस्क मारेंगे तो स्लिप होगा। उसके अलावा जो है ना आप बाइक मुतदल स्पीड पे चलाएं मेरे भाई। मैंने अक्सर लोगों को भी देखा है वो इतने ज़्यादा रशी में तेज़ में चला रहे होते हैं, भले आप फ्रिक्वेंट हो रोड से, आपका कनेक्शन हो, आप होके जाते रहे हो, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी ओवरटेक्स ना करें। जगह है भी तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें मेरे भाई, आप थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कि इन सफ़र में ये होता है लेट नहीं भी होता बंदा, क्योंकि कहीं आप ज़्यादा क्या कहते हैं खुला रोड हो तो सही चला लेते हैं, कहीं रश हो तो वहाँ नॉर्मल करके बैलेंस हो जाती है चीज़, तो आपको ज़रूरी नहीं होता रश अपने आप को करें, तेज़ से तेज़ चलाएं और फिर मसले और मुसीबत में फंसें आप। तो कोशिश ये किया करें कि आप नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, ज़्यादा अननेसेसरी ये जो है ओवरटेक्स इसको अवॉइड करें, और प्रॉपरली अच्छे तरीके से बाइक चलाएं। लाइट्स भी होनी चाहिए, प्रॉपर इंडिकेटर्स भी होने चाहिए, इंडिकेटर्स लोगों ने उतारे होते हैं, साइड मिरर्स का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। तो भाई प्रॉपरली पहाड़ी इलाकों पे हाईवे स्पेस पे आप ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें टायर्स, बाइक्स की लाइट्स और इंडिकेटर्स और ये सारी चीज़ें जो है गियर्स, ये आपका प्रॉपरली चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। ये ना शो ये भी करती हैं कि आप किस तरह सीरियस लेते हैं चीज़ों को, ये आपकी जान के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं होती हैं, दूसरों के लिए भी ज़रूरी होती हैं ताकि वो एटलीस्ट इससे पेन ना हासिल कर सकें। तो पहाड़ी इलाकों की बड़े मज़े की राइड होती है, अगर आपको एक बार चस्का उसका चढ़ जाए तो आप फिर जो राइड होते हैं ना लॉन्ग राइड्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं बाइक पे, स्पेशली जो पहाड़ के इलाके होते हैं। आई होप कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और हर नए आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।